वेलकम टू सिन्हा स्टडी स्टेशन। आज हम एसक्यूएल सर्वर में हमारा टॉपिक है चेक पॉइंट। आज हम जानेंगे चेक पॉइंट क्या होता है, कहाँ यूज होता है और उसके क्या एडवांटेज है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज चेक पॉइंट? चेक पॉइंट क्या है? चेक पॉइंट इज अ प्रोसेस दैट राइट्स करंट इन मेमोरी डर्टी पेजेस एंड ट्रांजेक्शन लॉग रिकॉर्ड टू फिजिकल डिस्क। चेक पॉइंट एक प्रोसेस है जो कि हमारे करंट मेमोरी में डर्टी पेजेस होते हैं, जो कि हमारा डर्टी पेज ट्रांसफर होने के बाद एमडीएफ फाइल बनता है एंड ट्रांजेक्शन लॉग रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कि हमारा एलडीएफ फाइल बनता है, उसे मेमोरी से फिजिकल डिस्क में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम चेक पॉइंट कहते हैं। इन एसक्यूएल सर्वर चेक पॉइंट्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिकवरी इन इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर। चेक पॉइंट हमारा एक बहुत यूजफुल काम करता है जब हमारा एमएस एसक्यूएल सर्वर में रिस्टोरिंग के पॉइंट को, रिकवरी पॉइंट को टाइम रिड्यूस करता है। चेक पॉइंट इज रेगुलरली यूज फॉर ईच डेटाबेसेस। सारे डेटाबेस के साथ चेक पॉइंट रेगुलरली यूज होता है। इसके कुछ ऑपरेशन हैं जो कि चेक पॉइंट्स तब अकर्स होते हैं। पहला है लॉग रिकॉर्ड फ्रॉम लॉग बफर आर रिटर्न टू डिस्क। जो लॉग रिकॉर्ड्स होते हैं लॉग बफर से, वो फिजिकल डिस्क में रिकॉर्ड सेव करता है, जो कि हमारा लॉग फाइल बनता है जो डॉट एलडीएफ होता है। ऑल डर्टी डेटा फाइल पेजेस जो हमारा एमडीएफ फाइल होता है आर रिटर्न इनटू द डेटा फाइल फ्रॉम बफर कैच। एक हमारा होता है चेक पॉइंट एलएसएन, जो कि हमारा लॉग सीक्वेंस नंबर होता है, इज रिकॉर्डेड इन डेटा बुक पेज। अब हम चेक पॉइंट्स के टाइप देखते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो चेक पॉइंट्स हमारा जो है वो 4 टाइप का होता है। While some them are issued automatically in the background, other are triggered by user and some of them are triggered by certain system event. कुछ जो है जो कि automatically run होता है, कुछ है जो user के द्वारा चलाया जाता है और कुछ system पर dependent होता है। अब हम checkpoint के first जो types होते हैं वो हम देखते हैं। First type इसका है automatic checkpoint. ऑटोमेटिक चेक पॉइंट जो होता है, एन ऑटोमेटिक चेक पॉइंट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रिगर्ड बाय बैकग्राउंड प्रोसेस। यह बैकग्राउंड प्रोसेस से रन करता है। सर्वर कॉन्फ़िगर ऑप्शन रिकवरी इंटरवल बाय यूज्ड एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इंजन टू डिटरमाइन हाउ ऑफ्टन ऑटोमेटिक चेक पॉइंट्स आर इशूड ऑन गिवन डेटाबेस। यह ये तय करता है कि जो ऑटोमेटिक चेक पॉइंट्स है वो कब और कहाँ रन करेगा। इसमें एक सबसे बड़ी खासियत है, यू कैन चेंज इट्स यूजिंग एसपी कॉन्फ़िगर प्रोसीजर। एक हमारा स्टोर प्रोसीजर आता है जो कि सिस्टम स्टोर प्रोसीजर है, उसके बेस पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। इन द सिंपल रिकवरी मॉडल एन ऑटोमेटिक चेक पॉइंट ट्रंकेट द अनयूज सेक्शन इन ट्रांजेक्शन लॉग एज फार एज फुल और बल्क लॉग रिकवरी मॉडल इज कंसर्न। जब हमारा डेटाबेस बल्क लॉग रिकवरी या फिर फुल रिकवरी मोड में होता है तो हमारा चेक पॉइंट जो है वो लॉग्स को, जो ट्रांजेक्शन पूरे हो जाते हैं, उसे चेक पॉइंट के थ्रू फिजिकली सेव करता है मेमोरी में। द ट्रांजेक्शन लॉग इज नॉट ट्रंकेट बाय ऑटोमेटिक चेक पॉइंट। इसके ट्रांजेक्शन लॉग जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रंकेट नहीं करता, क्योंकि ये हमारा जो होता है वो ऑटोमेटिक बेस पे होता है। दूसरा हमारा चेक पॉइंट आता है, वो है इनडायरेक्ट चेक पॉइंट। इनडायरेक्ट चेक पॉइंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 2012 से पहले ये नहीं होता था। आफ्टर 2012 इसका एक रिकवरी टारगेट टाइम होता है, जो टारगेट रिकवरी टाइम इज जीरो। अगर डिफॉल्ट है तो वो जीरो है। जीरो है इट मीन्स कि ऑटोमेटिक चेक पॉइंट यूज हो रहा है। अगर टारगेट रिकवरी टाइम जो है वो जीरो से अबव है, मोर देन जीरो है, इट मीन्स कि रिकवरी इंटरवल
स्पेसिफिक फॉर द सर्वर ऑफ अवॉइड ऑटोमेटिक चेक पॉइंट, इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्ट चेक पॉइंट यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है मैनुअल चेक पॉइंट्स। मैनुअल चेक पॉइंट रन लाइक अदर ट्रांजेक्शंस केवल कमांड, इट्स रन कंप्लीटली बाय डिफॉल्ट। दिस टाइप ऑफ चेक पॉइंट्स अकर इन द डेटाबेस ओनली, जो हम जिस डेटाबेस में हम काम कर रहे होते हैं सिर्फ उसी डेटाबेस में ये चेक पॉइंट्स अकर करता है। इट्स ऑल्सो पॉसिबल टू सेट टाइम फ्रेम इन विच यू वॉन्ट टू चेक पॉइंट कम्प्लीट, जब हम डेटाबेस रिस्टोर करते हैं तो उसमें हम टाइम भी इसमें चेक पॉइंट्स का फ्रेम में टाइम हम सेट कर सकते हैं कि कौन से मिनिमम टाइम में हमें चेक पॉइंट्स लगाना है और कहाँ से डेटा रिकवर करना है। नेक्स्ट हमारा है इंटरनल चेक पॉइंट्स, जो कि हमारा लास्ट चेक पॉइंट्स है। इट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय यूजर, इट स्टार्ट फॉलोइंग अ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। इसमें कुछ ट्रांजेक्शन पे ये यूज होता है, जैसे सम डेटाबेस फाइल हैव बीन मॉडिफाइड, अगर किसी डेटाबेस फाइल को अल्टर डेटाबेस किया गया हो तब यूज होता है। डेटाबेस बैकअप अगर प्रोग्रेस में हो तब यूज होता है। डेटाबेस का स्नैपशॉट अगर लिया गया हो तब यूज होता है। शटडाउन ऑपरेशन अकर्ड ऑन ऑल डेटाबेस एक्सेप्ट व्हेन शटडाउन इज नॉट क्लीन, जब शटडाउन नॉट क्लीन होता है उसमें जो हम कमांड में ट्रांजेक्शन जब लिखते हैं एक क्वेरी उसमें विद नो वेट कर देते हैं तब ये अकर होता है। रिकवरी मॉड्यूल हैज बीन चेंज फ्रॉम बल्क और फुल लॉग और फुल टू सिंपल, अगर फुल रिकवरी या बल्क लॉग रिकवरी से सिंपल में चेंज होता है तब ये अकर्ड होता है, या फिर डेटाबेस लॉग 70% से ज्यादा भर गया हो, सप्लाई टू सिंपल रिकवरी मॉडल। मिनिमल लॉग ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड, अगर मिनिमम लॉग एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुआ हो तब ये हमारा, लेकिन वो बल्क लॉग रिकवरी मॉडल में होता है तब अप्लाई हो रहा है। अब हम इसे कुछ डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि डायग्राम में हमारा चेक पॉइंट काम कैसे करते हैं, क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास मेमोरी में लॉग बफर होता है जो लॉग रिकॉर्ड्स हैं, और बफर कैच होता है जो जिसे हम डर्टी पेजेस कहते हैं। अगर हमारा ये चेक पॉइंट्स है और ये हमारा एक हार्ड डिस्क है, फिजिकल डिस्क है, तो ये पार्ट जो हमारा फिजिकल डिस्क में चेक पॉइंट जो अकर्ड होगा तो ये कैसे लेके जाएगा। जो हमारा लॉग बफर होता है लॉग रिकॉर्ड, वो बाद में जाकर डेटाबेस का लॉग फाइल बनता है जो कि LDF के नाम से होता है। दूसरा हमारा अकड़ होता है बफर कैच डर्टी पेजेस, जो कि हमारा MDF फाइल प्राइमरी फाइल के नाम से अकड़ होता है। तो ये हमारे चेक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन था, ये हमारा चेक पॉइंट था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जो कि हम देखेंगे, वो है एसिड प्रॉपर्टीज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।